Hi students, come and let's go and discuss about the some rest question which is not possible, which was not possible to solve and discuss on the screen recorder. So come and join me. I'm going to solve the exercise 6.1. Exercise 6.1, question number 5. क्वेश्चन इज दैट कि इन गिवन फिगर, क्वेश्चन रीड कर लेना. गिवन फिगर में है एक लाइन है, लाइन पे ये परपेंडिकुलर है आर ओ, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज एस. देन यू हैव टू प्रूव दैट, यू हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट एंगल आर ओ एस, angle ROS equal to half of the angle QOS minus POS, QOS and POS. See here. अब आपको करना क्या है, very easy. ROS को ले लो इस साइड से. अब यहाँ ध्यान देना कि ROS equal to होगा, यहाँ पे देखो ROS इस साइड में, आर ओ एस दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस. इक्वेशन फर्स्ट. ओके, अगेन आर ओ एस इक्वल टू, इस साइड में आ जाओ, आर ओ एस इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर. ओके, अब दोनों को ऐड कर दो, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू पी ओ आर माइनस पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर. अब यहाँ देखो क्यू ओ आर एंड पी ओ आर कैंसिल होगा. कैसे कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है. सिंस पी ओ आर इक्वल टू क्यू ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री, एक गिवेन है क्वेश्चन में. ओके, अब ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज द 2 आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, इसको सजा दो थोड़ा सा, पी ओ एस. बस यही प्रूफ करना था, एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, कैंसिल हो गया. बस इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 6, एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाट, कि ये फिगर है आपका जिसमें दिस 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 एंड दिस. क्वेश्चन पी क्यू आर एस टी. ओके, एंड दिस इज योर 110 एंड दिस इज योर 130. ठीक है, गिवन है, यहाँ गिवन है पी क्यू पैरेलल टू एस टी और ये दोनों गिवन है. ठीक है, टू प्रूव, टू फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस दिस एंगल. इसमें से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा कि एक लाइन ड्रॉ कर दी, विच इज पासेस थ्रू द दिस आर पॉइंट विच इज पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी. ठीक है, अब ये पैरेलल हो गया तो ध्यान से देखो, अभी कंस्ट्रक्शन में लिख देना है कि ड्रॉन दिस लाइन, सपोज है एम एन, एम एन पैरेलल टू पी क्यू
पैरेलल टू एस टी। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देख लो, यहाँ पे दिस एंगल की बात, को इंटीरियर एंगल दिस इज 70 डिग्री एंड दिस एंगल इज 50 डिग्री। अब ये निकाल लो लीनियर पेयर से, कितना हो जाएगा, दिस इज योर 60 डिग्री, हो गया। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और ये क्वेश्चन कहता है कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल लाइक ए योर कोटेड, आप साइंस में पढ़े होंगे, ठीक है, दिस एंड दिस, दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है, दिस इज सपोज दैट योर आर एस, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ए बी एंड दिस इज योर पी क्यू, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, इसमें गिवन क्या है, गिवन है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, और इसके साथ आपको ये भी देखना है कि कोटेड है। जैसे जब आप रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को याद करना होगा, तो यू हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट व्हाट, कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये प्रूफ करना है आपको, ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूफ करना। आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में ये लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर। सपोज दैट दिस इज एम, दिस इज एन, ये परपेंडिकुलर है, तो दिस इज एंगल आई, दिस इज आई, दिस इज आर। इसी तरह आपको दिस इज आई, दिस इज आर, ठीक है। तो जब ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि प्रूफ में अगर हम चलें, तो प्रूफ में क्या होगा कि एम बी पैरेलल टू सी एन हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये पी क्यू पैरेलल टू, सिंस पी क्यू पैरेलल टू क्या है, आर एस है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, और उस पर परपेंडिकुलर जो है, एंड एम बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एन सी परपेंडिकुलर टू आर एस। अब दो पैरेलल लाइन पे जब परपेंडिकुलर होता है, वो भी पैरेलल होगा, देयरफॉर एम बी पैरेलल टू सी एन हो जाएगा, ठीक है, एम बी पैरेलल टू सी एन हो जाएगा। तो एम बी पैरेलल टू सी एन जब होगा, तब आपका एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल एम बी सी इक्वल टू एंगल बी सी, बी सी एन हो जाएगा। अब ये दोनों एंगल इंसिडेंट, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, ठीक है। तो एम, ये दोनों एंगल तो टू से मल्टीप्लाई कर दो, सबसे बढ़िया रहेगा, एम बी सी एंड टू बी सी एन, ठीक है। तो जब इसका डबल करेंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, तो इसका नाम होगा ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, और ए बी सी जब बी सी डी का इक्वल हो गया, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, ठीक। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, और आगे में क्या है, सम ऑफ द, ये ट्राइंगल है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, कल देखते हैं, उसको प्रूफ करते हैं। तो थैंक यू।